डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर से मैं अनुपम पांडी अप्लाइड फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आगे स्टडी करेंगे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मतलब विद्युत बल रेखाएं। क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं? देखिए, विद्युत क्षेत्र में यदि किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए तो परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करने का प्रयास करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये, कोई भी आवेश ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक धन परीक्षण आवेश रख दिया, तो ये जो परीक्षण आवेश है जिस पथ पर गति करेगा वो क्या कहलाएंगी? विद्युत बल रेखा। तो डेफिनेशन क्या हुई आपकी कि विद्युत क्षेत्र में यदि किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए तो परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करने का प्रयास करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिए, क्योंकि आवेश जो है उसको हम सिंगल तो देख नहीं सकते, ये केवल कल्पना है, तो इसलिए फर्स्ट है आपका गुण में, ये काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, मतलब कोई भी कोण नहीं बनेगा। बल रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होंगी हमें? इस तरीके से, जैसे ये आपका धन आवेश है, इसके तरफ बल रेखाएं किधर की तरफ जाएंगी? बाहर की तरफ। ऋण आवेश अगर रख दिया जाए तो उसकी बल रेखाएं अंदर की तरफ बनेगी। और अगर दो, एक पॉजिटिव आवेश है एक नेगेटिव है, तो भी बल रेखाएं देखिए वक्र के रूप में प्राप्त हो रही हैं, कहीं कोई एंगल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। सेकेंड पॉइंट है, यदि विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक रखा जावे तो ये बल रेखाएं उस पथ को दर्शाती हैं जिस पर परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है। तो ये वही डेफिनेशन से आए हैं अपने पास कि बल रेखाओं पर परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है। तीसरा गुण है इसका कि यदि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी बिंदु है, यहाँ से हमने क्या खींची? स्पर्श रेखा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पर्श रेखा खींच रहे अपन, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यानी ई वेक्टर को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है आपका, ये बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बल रेखा ऐसे जा रही है और ये ऐसे, अगर काट दिया बाई चांस तो ये बिंदु कॉमन हो गया दोनों के बीच में। अब इससे यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और इस पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, जो कि संभव नहीं है। तो ये बल रेखाएँ, विद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर काटती नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। अब देखिए, अगर बिंदु धनावेश की बात करें तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य दिशा में होती हैं, जो कि धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती है। जैसे इस डायग्राम में आपका शो हो रहा है, ये धनावेश है, ये त्रिज्या की दिशा हो गई आपकी, निशान किधर की तरफ बनेगा? बाहर की ओर। तो ये सदैव त्रिदिशा में आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ जाएंगे, ये धनावेश के लिए हो गया आपका। नेक्स्ट है कि यदि हम ऋणावेश की बात करें तो बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य दिशा में होती हैं, जो कि अनंत से आवेश की ओर होती हैं, ऋणावेश की ओर। ये ऋणावेश की ओर बताया था आपको, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अनंत से ऋणावेश की ओर, तो तीर का निशान किधर की तरफ लगेगा? ऋणावेश की तरफ।
नेक्स्ट है आपका विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं, आवेशित चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, मतलब अगर कोई भी चालक है तो केवल उसकी सतह तक रहेंगी। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेशित चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। इसमें जैसे ये आपको बताया तो यहां पर ये पृष्ठ हो गया इसका, तो इसके लंबवत मतलब इस जगह के लंबवत होगी। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं जो कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, परीक्षण आवेश जो कि पॉजिटिव होता है उसको रखा हमने, तो क्या होगा, वो परीक्षण आवेश धनावेश है तो इससे तो प्रतिकर्षित होगा और उसके बाद ऋणावेश की तरफ वो आकर्षित होगा, तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति होती है जो कि लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण, वही कंडीशन आ रही है अपने पास। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश जैसे मान लीजिए हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए, तो पॉजिटिव चार्ज धनावेश लिए, अब यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो इससे तो प्रतिकर्षित होगा ही होगा, साथ में इस धनावेश से भी प्रतिकर्षित होगा, तो ये दूर हटने का प्रयास करेंगे दोनों साइड्स। देखिए तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर आवेश किस प्रकार के हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। तो ये लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ की कल्पना की जाए तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, विद्युत क्षेत्र वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है मतलब अधिक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर समान प्रकार के आवेश रखे होंगे तो इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहाँ पर कि कोई भी बल नहीं लगेगा, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। नेक्स्ट है अब आपका विद्युत क्षेत्र के प्रकार। देखिए विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक है असमान विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है समान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ऐसे विद्युत क्षेत्र जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण या दिशा या दोनों में असमान हो तो विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इन विद्युत क्षेत्रों के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर नहीं होती और यदि समांतर हों तो उनके मध्य की दूरी बराबर नहीं होती है। बिंदु आवेश, आवेशित गोला आदि के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होते हैं। क्यों, देखिए पीछे अपन ने देखा था कि E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम बिंदु आवेश की बात करेंगे तो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसमें विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, इसलिए कैसा हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र। अब देखिए समान विद्युत क्षेत्र, ऐसे विद्युत क्षेत्र में जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण व दिशा दोनों में समान रहे तो ये विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इन विद्युत क्षेत्रों के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, देखिए असमान विद्युत क्षेत्र में तो सब कुछ अलग अलग रहता है, बट यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और दो परस्पर समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसा कहलाता है, समान विद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दो चालक प्लेटें रखी हुई हैं तो इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह कैसा होगा, समान विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या हैं और विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।